हाय गाइस, बी टाउन होप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान सर के ट्रू फैन है तो दोस्तों बिना वीडियो देखे ही लाइक कर दे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पठान 2 मूवी के बारे में, लेकिन दोस्तों इसका टाइटल रहने वाला है पठान जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से टाइगर एक था टाइगर मूवी आई थी, उसके बाद दोस्तों उसका पार्ट 2 का नाम रहा था टाइगर जिंदा है, उसी तरह दोस्तों वायर एप अब उसकी स्पाई यूनिवर्सल का एक और हिस्सा पठान, उसका पार्ट 2 का जो टाइटल रखने वाली है वो है पठान जिंदा है। आपने सही सुना दोस्तों, क्या है पूरा न्यूज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अब 1000 नहीं, अब 1500 या फिर 2000 करोड़ का रिकॉर्ड बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड के लिए अब शाहरुख खान एक नंबर 1 की पोजीशन पर आ गए हैं। जिस तरह से दोस्तों पठान मूवी से उन्होंने कमबैक किया है बॉलीवुड में, उसके बाद तो दोस्तों वो पीछे मुड़ के देखने ही नहीं वाले, क्योंकि दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो जवान फिल्म की थी उस फिल्म का जो कंटेंट था वो बहुत ही बेहतरीन था, और दोस्तों वो डिजर्व करता था इतना बड़ा कलेक्शन। और दोस्तों अब जो तीसरी फिल्म आने वाली है वो है डंकी, जिसका सीधा सीधा क्लैश होने वाला है सलार फिल्म के साथ, लेकिन दोस्तों डंकी का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके साथ राजकुमार हिरानी है और दोस्तों बॉलीवुड के नंबर 1 डायरेक्टर और दोस्तों बॉलीवुड का नंबर 1 एक्टर अगर एक साथ आ गया तो दोस्तों रिकॉर्ड टूटना है, और दोस्तों ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा कि 1000 करोड़ कमा ही गए इंडिया से। लेकिन दोस्तों अब शाहरुख खान का मन नहीं भरा, उसके बाद दोस्तों वो स्पाई यूनिवर्सल का हिस्सा है वो टाइगर वर्सेस पठान मूवी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सभी जानते हैं कि टाइगर 3 फिल्म आएगी, उसके बाद दोस्तों टाइगर वर्सेस पठान आएगी स्पाई यूनिवर्सल की, उसके बाद दोस्तों वॉर 2 फिल्म आएगी। लेकिन दोस्तों टाइगर जिंदा है सॉरी पठान जिंदा है मूवी कब आएगी तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म 2025 में आएगी, और दोस्तों ये फिल्म एक मल्टी स्टार फिल्म रहने वाली है। जिस तरह से टाइगर 3 फिल्म के अंदर हमें सलमान शाहरुख ऋतिक रोशन देखने को मिलने वाला है, उसी तरह दोस्तों पठान जिंदा है मूवी के अंदर हमें सलमान खान शाहरुख खान कैटरीना कैफ दीपिका पादुकोण वही ऋतिक रोशन वानी कपूर टाइगर श्रॉफ जॉन अब्राहम इमरान हाशमीन आलिया भट्ट जूनियर NTR ये सभी के सभी स्टार हमें पठान जिंदा है मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों 99% इस मूवी का टाइटल पठान जिंदा है रहेगा। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऐसी फिल्मों के लिए सिद्धार्थ आनंद से बेहतर डायरेक्टर कोई मिल ही नहीं सकता, और दोस्तों वही डायरेक्शन देने वाला है पठान जिंदा है मूवी को। वही दोस्तों फिल्म के बजट के बारे में बात करूं तो लगभग 500 करोड़ के भारी भरकम बजट में इस फिल्म को बनाया जाएगा, और दोस्तों अब तो वायर एप कॉन्फिडेंट है कि ये फिल्म अपना बजट रिकवर आराम से कर देगी, और दोस्तों उससे दुगना और तिगनी कमाई आराम से करेगी, क्योंकि दोस्तों शाहरुख खान सर का जो स्टार पावर है, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनकी फैन आर्मी है, वो दोस्तों इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर और मेगा ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, क्योंकि इस मूवी का क्रेज़ पार्ट 1 का ही इतना था कि दोस्तों रिलीज होते ही रिकॉर्ड टूटने लगे थे, और उसके बाद तो दोस्तों शाहरुख खान के फैंस एक्टिव हो गए, और दोस्तों अब उनके फैन भी 2.0 हो गए, और दोस्तों वो भी अब फर्स्ट डे फर्स्ट शो का इवेंट चलाते हैं, और दोस्तों ऐसी बड़ी फिल्म का पार्ट 2 आ रहा हो तो कौन नहीं देखेगा दोस्तों। आप भी अगर फैन नहीं हो फिर भी आप ये मूवी का पार्ट 2 देखने जाओगे, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से VFX रहता है, जिस तरह से सॉन्ग रहते हैं, जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी रहती है, और दोस्तों ऐसी ऑडियंस अभी फिल्म देखना पसंद करती है, मास ऑडियंस की जो फिल्म देखने की चाहत रहती है उसमें अपना सुपरस्टार हो और दोस्तों ज़बरदस्त डायलॉग हो, और दोस्तों उसमें भी वायर एप इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है, तो दोस्तों ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी 110%। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको ये न्यूज़ देखने के बाद कितनी खुशी हो रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो।